हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं रितिका पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो सुबह की प्यार भरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे गाय। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो आज मैं सुबह के नाश्ते में बनाने वाली हूँ राजमा। तो राजमा बनाने के लिए मैंने राजमा उबाल लिए हैं और यहाँ पे मैं प्याज कटिंग कर रही हूँ। और प्याज मिर्ची इसी से मैं राजमा बनाने वाली हूँ, क्योंकि टमाटर तो बहुत महंगे मिल रहे हैं गाइस मार्केट में, तो टमाटर मुझे नहीं डालना है। एक्चुअली में टमाटर हम डाल लेते हैं, पर टमाटर लाए नहीं, बाज़ार गए ही नहीं, तो सिर्फ प्याज थी मिर्ची थी, तो उसी से बनाने वाले हैं हम राजमा। तो देखिए गाइस, राजमा बनाने के लिए ना मैंने प्याज को फ्राई करके उसमें मसाले वगैरह सारा डाल दिए हैं। और मैंने राजमा को पहले ही बॉयल कर लिया था नमक डाल के। उसमें चने थे और सोयाबीन था, जो कल के ब्लॉग में दिखाया था ना, तो वही डाल के हम पहाड़ी राजमा बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे उसमें हमने मसाले वगैरह डाल दिए हैं और कुकर में सीटी लगने के लिए चढ़ा दिया है। और साइड में बना रही है दीक्षा, कृतिका और अन्ना के लिए नाश्ता बना रही है। तो उनके लिए ना बिना मिर्ची के बनती है सब्जी, तो उनकी टिफिन लग रही है। और बाबू पे मेरा चला गया स्कूल, तो उसके लिए मैंने बनाई थी भिंडी। तो बाबू को टिफिन लेकर चला गया है। दोनों की टाइमिंग एक ही है, लेकिन बाबू मेरा पहले जाता है, मेरा बेटा, उसे बहुत जल्दी रहती है स्कूल जाने की। बस वो सोता ही नहीं है, सोता है, अलार्म लगा कर सोता है, बस तुरंत मैं स्कूल चला जाऊँ, स्कूल जाने की इतनी जल्दी में रहता है, पूछिए मत। तो देखिए गाइस, यहाँ पे बचे थे थोड़े से बर्तन, तो उसे मैंने धो लिया है। और इसके बाद जैसे ही राजमा बन जाएगी, 2-3 सीटी लगेगी। हमारा राजमा ऑलरेडी पहले से पका हुआ है, तो फिर मैं बनाऊँगी रोटियाँ। तो मेरे हस्बैंड भी जाने वाले हैं कोर्ट, और इसके बाद मैं भी जाऊंगी। तो आप लोग पता ही है मैं 2 घंटे के लिए बस जाती हूँ, तो मैं टिफिन लेके नहीं जाती हूँ, सिर्फ लंच मतलब नाश्ता करके जाऊंगी, लंच के टाइम पे आ जाती हूँ। तो इस हिसाब से हम अपना करते हैं। तो अभी बन गया हमारा, तो फिर रोटी बनाएंगे, इसके बाद अपने हस्बैंड जी मेरे नहाएंगे, मंदिर जाएंगे, और फिर वो नाश्ता नहीं करते हैं, डायरेक्ट टिफिन लेके जाते हैं। तो मैं राजमा चावल रोटी दही देने वाली हूँ लंच में, क्योंकि वो रात तक आते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं मेरे हस्बैंड जी गाइस। तो यहाँ पे दीक्षा अपने बच्चों के लिए ले जा रही है नाश्ता, टिफिन देखिए चली गई वो। और मैं एक तरफ का मेरा चूल्हा खाली हो गया, तो मैं यहाँ पे रोटियाँ सेक लेती हूँ। और हमारा आटा सुबह सुबह ही लग जाता है, और जिससे भी खाना होता है ना, उसके लिए गर्मा गर्म रोटियाँ पराठे जो भी खाना होता है बनता है गाइस। तो हमारे यहाँ ना ठंडी नहीं खाते हैं, तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। और गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुँच सके। सो गाइस, मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ, तो आप लोग मेरे वीडियो को फुल वॉच करिए, नहीं तो मेरे वॉच नहीं आएंगे गाइस। और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे मेरे राजमा में सीटी लगेगी, और मैं यहाँ पे एक साइड में रोटी बना लेती हूँ, रोटियाँ बना लेती हूँ। इसके बाद टिफिन लगा दूँगी अपने हस्बैंड जी का, इसके बाद से मैं टिफिन लग जाता है ना, तो टेंशन फ्री। तो गाइस, इसी के साथ अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप कि आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।